देश में 32,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर उन्हें खाड़ी बाहर देशों में भेज दिया गया। ओ डैम, मैं न्यूज वालों की भाषा क्यों बोल रहा हूँ, यह यूं कह लें उन्हें बेच दिया गया। ये हम बात करने वाले हैं द केरल स्टोरी के बारे में। दुर्भाग्य वाली बात तो क्या है कि हमारे देश के 70-80% लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे इस भारतवर्ष में ऐसी कोई घटना भी हुई है जहां पर इतने बड़े लेवल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ उनकी हत्या तक हुई है, उनके अपराध बलात्कार जैसे घिनौने अपराध तक हुए हैं। ये हम बात करने वाले थे केरल स्टोरी के बारे में, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और अपने विचारों को वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। द केरल स्टोरी, या फिर उसे यूं कह लें द कश्मीर फाइल्स 2.0। जो भी उन 32,000 महिलाओं के साथ केरल में जो भी दुर्घटना घटी उसको एक मूवी के रूप में दिखाया जा रहा है, जिस मूवी का नाम है द केरल स्टोरी। और आप सभी को वो मूवी क्यों देखना चाहिए उसका भी जवाब मैं आप सभी को इस वीडियो में दे रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि मान लो कि आप एक पेरेंट्स हो और आपकी कोई लड़की है जो घर के पास ही कहीं जॉब करती है, कोई जिसका सपना है नर्स वर्स बनने का, अच्छी सी नौकरी और लाइफ जीना चाहती है। वो हर दिन की तरह जॉब पे जाती है, पर एक दिन वो जॉब के लिए तो निकलती है पर घर लौट के नहीं आती। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए वो घर लौट के नहीं आती। तो आप एज अ पेरेंट्स आप क्या फील करोगे? सोचो 32,000 जिनकी जिन बेटियों के साथ ये दुर्घटना घटी है, जिन पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को खोया है, उनका वो दर्द, उनका दुख इस मूवी में दिखाया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं होने वाली, ये 32,000 फैमिलीज का दर्द होने वाला है, ये 32,000 बहनों का दर्द होने वाला है, और इन भाइयों का जो दर्द होने वाला है जिन्होंने अपनी बहनों को खोया। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ इमोशन। इस मूवी में जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो है अदा शर्मा, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विपुल शाह, और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धुप्तो सेन। थैंक यू सर, मेरी तरफ से आप ऐसी मूवी बना रहे हैं जो समाज का एक आईना बनेगी, समाज की आंखें खोलने का कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम। और आप लोग इस मूवी के पार्ट को आप लोग जरूर देखो, और इस मूवी को थिएटर में जरूर देखो। मैं लास्ट में ही बोलना चाहूंगा, मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था, मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल, और मैं अकेली नहीं हूं। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी।